हाय गाइस, दिस इज समीक्षा सिंह वॉचिंग माय चैनल फूड पैराडाइज। गाइस, आज हम बनाएंगे एक हेल्दी शेक। आज मैं बनाने जा रही हूँ एवोकाडो मिल्क शेक, जो कि बहुत ही हेल्दी है। आप लोग जानते हैं इसके बारे में कि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट है, और इसको हिंदी में भारत में बोलते हैं रुचिरा फल, इसको मक्खन फल भी बोलते हैं साथ में। तो चलिए मैं आपको इसके इन्ग्रीडियंट्स बताती हूँ क्या चाहिए हमें इसके लिए। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। एवोकाडो मिल्क शेक बनाने के लिए हमें चाहिए एवोकाडो, ये मैंने पूरा लिया हुआ है, इसका हम सीड निकाल देंगे बाद में और इसको छील लेंगे। और मैंने लिया है शुगर, दूध और आइस क्यूब्स। बहुत इजी है, बहुत सिंपल रेसिपी है। एवोकाडो को हिंदी में रुचिरा भी बोलते हैं। ये बेसिकली साउथ मैक्सिको से इसका ओरिजिन हुआ था। अब हम इसमें डालेंगे शुगर, ये एक फल है, आइस डालेंगे और इसको मक्खन फल भी बोलते हैं। दूध डाल दिया मैंने इसमें, ये एक बड़ी बेरिक का फल होता है और इसमें जो बीज होता है बहुत बड़ा होता है और ये बहुत ही हेल्दी होता है। ये हार्मोन्स को बैलेंस करता है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है, वेट लॉस में भी हेल्प करता है, हार्ट को हेल्दी रखता है। इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे, स्मूथ सा इसका आ जाएगा जब अच्छे से अंदर से ब्लेंड हो जाएगा एवोकाडो। तो ये मेरा अच्छे से हो गया है, मैं इसको पोर करके दिखा देती हूँ। मैंने साइड्स पे बनाना के स्लाइसेस लगा दिए, थोड़ा सा गार्निश कर दिया। आप चाहे तो इसके ऊपर बादाम वगैरह कोई भी गार्निश कर सकते हैं। तो ये हमारा रेडी हो गया, बहुत हेल्दी होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं इस पर थोड़ा सा पम्पकिन सीड्स और थोड़ा सा एवोकाडो से ही इसको गार्निश कर रही हूँ। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत हेल्दी शेक है एवोकाडो मिल्क शेक। सो गाइस, अगर आपको ये मेरा मिल्क शेक जो मैंने बनाया एवोकाडो वाला अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही में बेल आइकन का बटन है वो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैंने इसकी इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। तो मिलते हैं अगली बार नई रेसिपी के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल फूड पैराडाइज। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।